हमास शासित गाजा के लोगों की मदद के लिए जापान 10 मिलियन डॉलर की मदद करेगा। द जापान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान की विदेश मंत्री योको कामिकावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से इसराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है। उसके युद्धक विमान गाजा पर लगातार बम बरसा रहे हैं। वहीं इसराइल ने गाजा की जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी है। 17 अक्टूबर 2023 को गाजा शहर के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर है। भीषण धमाके के लिए इजरायली सरकार और फिलिस्तीनियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया है। गाजा पर हो रहे हमलों में अब तक 3000 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबर है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में ज्यादातर लोगों के पास घर नहीं बचे हैं, वो गलियों में रात गुजार रहे हैं। पानी की सप्लाई करीब करीब बंद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक गाजा में इस वक्त 5000 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और उन्हें इलाज की जरूरत है। अस्पतालों में ना तो दवाइयां बची हैं और ना ही बिजली है। फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास 1 लीटर भी डीजल है तो अस्पताल जाकर डोनेट कर दें। यहां जनरेटर चलाने के लिए इसकी बेहद जरूरत है। जापान ने हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसकी निंदा की है, लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान ने 11 अक्टूबर तक हमास के हमलों को आतंकवाद के रूप में संदर्भित नहीं किया था। उसका ये स्टैंड G7 के बाकी देशों से अलग था। जापान का कहना है कि इसराइल के जवाबी हमले से गाजा पट्टी में मानवीय स्थिति खराब होती जा रही है। जापान की विदेश मंत्री ने कहा कि गाजा के लोगों के लिए आपातकालीन मानवीय राहत के रूप में 10 मिलियन डॉलर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, हम कूटनीतिक प्रयास करते रहेंगे ताकि भोजन, पानी, मेडिकल और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे जरूरी सहायता निर्दोष नागरिकों और फिलिस्तीनी शरणार्थियों तक पहुँचे। इसराइल, इजिप्ट और भूमध्य सागर के बीच जिस पट्टी को गाजा कहते हैं वो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ 20 लाख से ज्यादा लोग रहते थे। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ की 80% आबादी अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है, खासकर शरणार्थी जो अब भी शिविरों में रह रहे हैं। 2007 से गाजा पट्टी का प्रशासन हमास के हाथों में है। इस गुट ने अपने चार्टर में इसराइल के साथ शांति प्रक्रिया को खारिज किया और इसराइल को तबाह करने की बात करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जापान, जो कि स्वतंत्र फिलिस्तीन देश का समर्थक है, उसने पिछले दशक में फिलिस्तीनियों को 2.3 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। रॉयटर्स के मुताबिक दशकों से जापान ने इसराइल फिलिस्तीनी विवाद पर तटस्थ रास्ता अपनाने की कोशिश की है। हालांकि उसने 1967 के देश की सीमा के बाहर बस्तियों के निर्माण के लिए इसराइल की आलोचना भी की। टोक्यो के लिए दृष्टिकोण 1973 के तेल संकट की दर्दनाक यादों से प्रेरित है, जब मिडिल ईस्ट के तेल उत्पादकों ने जापान सहित उन देशों को लक्षित करते हुए प्रतिबंध लगा दिया था जिन्होंने अरब देशों के साथ युद्ध के दौरान इसराइल का समर्थन किया था।